हेलो एवरीवन, आज मैं आप सबके साथ एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही हेल्दी, बहुत ही स्वादिष्ट कुरकुरी रेसिपी है, जिसके लिए हम ये रेसिपी गेहूं के आटे से बनाएंगे। मैंने यहाँ पर गेहूं का आटा ले लिया है। इसमें से लगभग 3 से 4 रोटी बनेगी। ये रोटी थोड़ी सी मोटी बनती है। और इसे किस तरह बनाया जाता है, ये थोड़ी अलग तरह की रोटी है, तो आप इसे अच्छी तरह से पूरा वीडियो वॉच करें। स्किप करेंगे तो आपकी समझ में नहीं आएगा। मैंने यहाँ पर गेहूं का आटा ले लिया है। अब हम स्वाद अनुसार इसमें नमक डालेंगे। नमक आप कम ज्यादा अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हो। अब हम इसमें डालेंगे जीरा पाउडर, लगभग आधा बड़ा चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे हम। और हम यहाँ डालेंगे काली मिर्च, पीछे कूटी हुई काली मिर्च, ये भी लगभग आधा चम्मच। ये इतनी अच्छी रेसिपी है कि बच्चे भी इसे बहुत ही दिल से खाते हैं। यहाँ तक कि जो लेडीज डिलीवरी करती है उसके लिए भी ये नाश्ते के लिए एक बहुत ही हेल्दी और अच्छी स्वादिष्ट रेसिपी है। इसे चाय या दही के साथ या चटनी के साथ खाया जा सकता है। अब हम इसमें डालेंगे शुद्ध घी। लगभग 2 चम्मच भर के हम इसमें शुद्ध घी के डालेंगे। अब शुद्ध घी डालने के बाद हम आटे को अच्छी तरह से शुद्ध घी में मिक्स करेंगे। ऐसा करने से ये बिल्कुल सॉफ्ट और कुरकुरी बनती है। अच्छी तरह से आटे को मसलने के बाद अब हम पानी लेंगे, और बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके हमें पानी डालना है, क्योंकि ये हमें जो हम डो बनाएंगे आटे का, ये हमें बहुत नरम नहीं चाहिए, थोड़ा सा कड़क चाहिए। इस तरह हम आटे को मसलते हुए गूंदेंगे। हमें आटे को गूंदते समय अच्छे से मसलना है। ये थोड़ा सा ऐसे कड़क ही चाहिए, ज्यादा नरम नहीं चाहिए। अब हम इसे इस तरह ढककर लगभग 10 मिनट के लिए रेस्ट करवाएंगे आटे को। उसके बाद मैं आगे का प्रोसेस बताती हूँ, इसे किस तरह बनाया जाता है। अब 10 मिनट बाद हमारा आटा बिल्कुल तैयार है बनाने के लिए। अब हमें बेलना कैसे है, ये इसका थोड़ा सा अलग तरीका है। हमें थोड़ा सा ज्यादा आटा लेना है यहाँ पर, और हमें यहाँ पर सूखा आटा वगैरह कुछ भी नहीं लगाना है। इसे ऐसे करना है। अब हम इसे पकाने का तरीका बहुत ही अलग है। इसे हमें 2 बार पकाना है। मैं अच्छी तरह से आपको दिखाती हूँ इसे कैसे पकाना है। बस अब इतना बेलने के बाद हम गैस पर तवा रखेंगे गरम करने के लिए। मैंने तवे को गरम करने के लिए रखा है। हमें यहाँ पर आंच मध्यम रखनी है, बहुत धीमे भी नहीं और बहुत बड़ी आंच भी हमें नहीं चाहिए। हम बिल्कुल इसे मध्यम आंच पे पकाएंगे। अब हमने जो ये रोटी बेली थी इस पर डालेंगे, और इसे पूरी तरह नहीं पकाना है, इसे हमें आधा पकाना है।
हम इसे इतना पकाएंगे, बस पूरी तरह नहीं पकाएंगे, अब हम इसे फिर से बेलेंगे। इसे उतारेंगे गैस से। मैंने इसे गैस से उतार लिया है, अब इसे ठंडा नहीं होने देना है। ठंडा हो गया तो ये बेला नहीं जाएगा, इसे गरम गरम को ही हमें फिर से अच्छी तरह से अब बेलना है। ये इसी तरह पकाई जाती है, बहुत जोर नहीं देना है, थोड़ा सा हल्के हाथों से इसे बेलेंगे। बस ये थोड़ी मोटी ही होती है। अब हम इसे फिर से तवे पर डालेंगे। अब हम एक फोक लेंगे और इसे इस तरह ऐसा करने से क्या होगा, ये अंदर तक बिल्कुल पकेगी और बहुत ही क्रिस्पी बनेगी। अब हम इसे पलटेंगे धीरे से। पलटने के बाद हम फिर से थोड़ा सा घी डालेंगे ऊपर। घी डालने के बाद हम इसे पलटेंगे। अब दूसरे साइड से भी थोड़ा घी लगा लेंगे। अब इसे मध्यम आंच पर दोनों साइड से अच्छी तरह से पकाएंगे। अब मैंने गैस को बंद किया है, इसे हम गैस से ऐसे नीचे लेंगे। ये थोड़ी सी कभी कभी टूट जाती है बेलने में, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ज्यादा घी डाला जाता है। अब मैंने इसे गैस से नीचे ले लिया है। ये बहुत ही टेस्टी कुरकुरी लगती है, बहुत ही टेस्टी लगती है। इसे चाय या दही के साथ या चटनी के साथ किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। इसे नाश्ते में या फिर शाम को जब थोड़ी सी भूख लगे तो चाय के साथ खा सकते हैं। तो आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें, ये बहुत ही हेल्दी और स्वादिष्ट रेसिपी है। और अपना एक्सपीरियंस मुझसे जरूर शेयर करें कि इसका रिजल्ट आपको, इसका टेस्ट आपको कैसा लगा। अगर वीडियो यूजफुल लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बाजू में जो बेल बटन है उसे भी जरूर प्रेस करें, तो जो भी वीडियो डालूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी अच्छे वीडियो में फिर से। तब तक के लिए बाय।